यह विषय ऐसा है जो हमारे सभी लोगों के दिलों के करीब है, और इसी कारण बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए उत्साहित व्यक्ति इस फिल्म को देखना चाहेगा। थिएटर्स कम हैं, मल्टीप्लेक्सेस कम हैं, लेकिन देखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनी की तरफ से मैंने ये आवश्यक तैयारियां करने का जो कार्य है वो कर लिया है, और प्रारंभिक अनुमान के हिसाब से इंडिया में लगभग 5000 सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे वर्ल्ड वाइड इसकी रिलीज होगी और दुनिया के प्रमुख देशों में इसको एग्जिबिट किया जाएगा। मुझे सभी देशों के मतलब मुख्य मुख्य देश जो है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है और अन्य यूरोपीय देश हैं, यहाँ से हमारे लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं कि आप इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान बनाइए और ये अच्छे से हो ये सुनिश्चित करिए। मुझे भी लगा कि इसकी प्लानिंग अगर अभी से करें तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी और सारे लोग हमारे सुचारू रूप से इस फिल्म को देख सकें। अब देखिए, कंपनी की ओर से जो तैयारियां हमको करनी है वो तो हमने की है, लेकिन अभी समाज की भूमिका बड़ी है, और हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, विभिन्न संगठनों के साथी हैं, हमारे कर्मचारी, अधिकारी और उनके संगठन, सामाजिक संगठन, व्यवसायी, इन लोगों को अब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने ये तय किया है कि जो व्यक्ति, जो संगठन, जो समाज समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे लोगों को, संगठनों को मैं कंपनी का सोशल डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करूंगा। सोशल डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने के लिए जो आवश्यक कंडीशंस है वो कोई बड़ी भारी नहीं है, और इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो भी कोई ऐसी तय नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके, उस व्यक्ति के या उस संगठन के विचारधारा में बाबा साहब का नाम सर्वोपरि होना चाहिए। और बाबा साहब ने जो बात हमसे कही थी उस बात का उसको ज्ञान होना चाहिए, और उसको कोई ठेस न लगे, उस भावना को कोई ठेस न लगे, ये उसको देखना पड़ेगा। सोशल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई योग्यता है तो उस व्यक्ति में बाबा साहब के विचारों के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी अगर उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके कार्य करने के ढंग में हो तो हमारे लिए वो व्यक्ति सबसे मुफीद है, सबसे योग्य व्यक्ति है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जो काम होता है वो काम पैसे के बगैर हो नहीं सकता। यहाँ अगर कोई स्पॉट बॉय की सेवा भी अगर लेना चाहते हो, कोई स्पॉट बॉय को अगर कोई काम देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको तत्काल पैसा देना पड़ता है। और आपने जो टीजर्स देखे होंगे, उन टीजर्स की आपने क्वालिटी देखी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया होगा और मतलब इसकी कीमत क्या होगी। तो बहरहाल अब जो है, आपको अगर सोशल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो
तो आप अपना मन बनाइए, कंपनी से तत्काल आप संपर्क करिए, मुझसे संपर्क करिए, हम आपको बता देंगे कि आपका काम कैसे होगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले बता दूं कि एडवांस बुकिंग का जो काम है वो हम सोशल डिस्ट्रीब्यूटर को देने वाले हैं, और सोशल डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से जब एडवांस बुकिंग होगी तो लोगों को सबसे पहले पता होगा कि उनको किस तारीख में किस थिएटर में जाना है, कितने बजे के शो में जाना है, उनका टिकट की संख्या क्या होगी, ये सब पता चलेगा पहले ही। और बाकायदा इस तरह की योजना बना करके लोगों को सिनेमा घरों तक के आने में कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अब इतना जो काम है, ये जो काम है इसको करने के लिए हमारे सोशल डिस्ट्रीब्यूटर जो मेहनत करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? लोग कहेंगे हमने कंपनी को बिजनेस दिया और कंपनी को फायदा हुआ, अब फिल्म बनाने के लिए किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मतलब किन लोगों के कार्य के कारण यह फिल्म बनती है और उसके बाद में फिर उसको सिनेमा घरों तक ले जाने में किन किन की भूमिका होती है, ये आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कमर्शियल लोग भी इसमें होते हैं, कमर्शियल लोगों का भी इसमें हिस्सा होता है, और फिर जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मतलब कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका योगदान होता है, फिर आपके जो सिनेमा घर होते हैं उनका भी अपना एक हिस्सा होता है। तो ये बड़ा मतलब एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में हम पहली बार, ये पहली बार हुआ है, समाज के लोगों को शामिल करना चाहते हैं, ये मेरा निर्णय है। और अगर सोशल डिस्ट्रीब्यूटर एक बार इस कार्य में जुड़ जाएगा ना, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले लोगों में से जो सोशल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो जुड़ जाएंगे ना, तो अब देखना ये ट्रेंड होगा, ट्रेंड, और उनको क्या देने वाले हैं, बड़ी बात लग सकती है लेकिन है महत्वपूर्ण। हम जो है कंपनी को जो शुद्ध आय होगी इन लोगों के कार्य के कारण, एडवांस बुकिंग के कारण, जितना वो काम करेंगे और जितनी शुद्ध आय होगी टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद में शुद्ध आय होगी, उसका सोशल डिस्ट्रीब्यूटर को 25% हिस्सा मैं दूंगा, 25% हिस्सा। आप कल्पना कीजिएगा, एक एवरेज भी अगर टिकट सहित हम 150 रुपये मान के चलते हैं, हालांकि मल्टीप्लेक्सेस में ज़्यादा टिकट्स होते हैं, जैसे 500 तक जाती है, 500, 400, 300, 200, 100, और छोटे स्क्रीन्स में जो है छोटी टिकट साइज रहती है, तो इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो मेरे अनुमान के अनुसार 150 से 200 रुपये ये रेंज रहेगी एक टिकट की। और अगर ज़्यादा आप काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएंगे सिनेमा घरों तक लाने में सुविधा उनको देंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो एक तरफ तो बाबा साहब का विचार मजबूत होगा, और जो बाबा साहब ने बात कही थी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती, तो ये बात जब उनके दिमाग में जाएगी तो हमें मालूम है कि जैसा मैंने पहले कहा कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव केवल फिल्म नहीं है, ये सांस्कृतिक आंदोलन की एक चिंगारी है, वो चिंगारी साबित होगी। हमें मालूम होगा कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बाबा साहब ने जो कहा था उसको हम कैसे आगे ले जा सकते, ये काम बहुत अच्छे से कर सकते। तो क्या होगा, आपने बाबा साहब के विचार को अपने दिमाग में रखा, आपने सोशल डिस्ट्रीब्यूटर का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन किया, और निर्वहन करने के बाद में कंपनी को जो फायदा हुआ या आय हुई उसके आप हिस्सेदार बने। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का एक एक व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है और अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार है, उसको हम जैसे लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। और मेरी तरफ से एक मेरा विनम्र प्रयास है कि मैं चाहता हूं
कि हमारे लोगों को साथ मिलना चाहिए, जो बाबा साहब के कारण पढ़े लिखे बन करके विभिन्न पदों पे गए, बड़े पदों पे गए और सक्षम बन गए। अब हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। और मेरी तरफ से मुझे लगता है ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ है, तो मेरी तरफ से एक मेरा विनम्र प्रयास है कि आपको मेरे साथ में कंपनी के साथ में जोड़ना है। और आप जुड़िए, मुझसे संपर्क करिए, आवेदन कीजिएगा, आवेदन करें। आवेदन करने के बाद हम देखेंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा, आप कंपनी में आएंगे, आपके साथ में एग्रीमेंट होगा, उसको नोटराइज किया जाएगा और अन्य जो कंडीशंस है वो आपको बताई जाएगी। आप यकीन के साथ में आ सकते हैं, आपको निराशा नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। और कुछ लोग तो अपना करियर बनाएंगे, मैं चाहता हूँ कि वो करियर बनाए इस तरह का। इससे क्या होगा, देखिए, एक तो आंदोलन मजबूत हो जाएगा, बाबा साहब का आंदोलन मजबूत हो जाएगा। और जिन लोगों को धन के अभाव में काम करने का अवसर नहीं मिलता है वो सक्षम हो जाएंगे, उनके उनकी जेब में पैसे आ जाएंगे और अधिक ऊर्जा के साथ में वो अपना कार्य कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना मन बनाइए और सोशल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन कीजिए। आइए हम सब मिलकर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को घर घर तक पहुंचाएं और बाबा साहब के उस सपने को सब सच साबित करें जो उन्होंने हमसे अपेक्षा की थी। एक दिन ये भारत वैसा ही होगा जब सम्राट अशोक का राज था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, और वो सपना बाबा साहब का समतामूलक समाज, उसकी स्थापना करने के लिए हम सभी लोगों का योगदान और अच्छा योगदान, निस्वार्थ योगदान, और सभी का कल्याण हो, ये भगवान बुद्ध ने जो विचार दिया है भवतु सब्बा मंगलम, ये विचार हम लोगों को आगे ले जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से, इस अवसर का जरूर लाभ लीजिए और कंपनी के साथ में संपर्क करके इस फिल्म को घर घर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। जय भीम, धन्यवाद।